राजस्थान में पंडित भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेंद्र शर्मा बबली ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित शीर्ष के नेतृत्व का आभार व धन्यवाद किया। बबली पंडित ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मणों का गौरव बढ़ाया है, जहां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ब्राह्मण को उपमुख्यमंत्री और राजस्थान में मुख्यमंत्री बनाकर ब्राह्मणों का दिल जीत लिया है। साथ ही तीनों राज्यों में भाजपा द्वारा मुख्यमंत्री के चयन से अब हर कार्यकर्ता में हर्ष उल्लास है। हाईकमान ने फल दिया है, ये अच्छे कार्यकर्ता थे और युवा है तीनों ही, तो इन तीनों को मुख्यमंत्री की ताजपोशी करके एक कार्य क्षेत्र में और एक लगनशीलता का एक भारतीय जनता पार्टी ने उदाहरण पेश किया है। देखिए, ब्राह्मण होने के नाते हमें तो वाकई बहुत खुशी है। शर्मा जी, बीजेपी ने जैसे एक परंपरा बदली है जी, एक मतलब पहली बार के विधायक को चुनकर आया, उसको सीएम बनाया और राजस्थान छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ऐसे चेहरों को मुख्यमंत्री बनाया जहां लोग सोच नहीं रहे थे जी। आदिवासी को सीएम बनाया, वहां एक ओबीसी से यादव समाज के मोहन यादव को सीएम बनाया, तो कहीं ना कहीं ये अब एक ऐसा विश्वास जा गया है कि एक जो कार्यकर्ता, छोटा सा कार्यकर्ता है, जो दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता है, वो भी सोच सकता है कि वो शीर्ष तक पहुंच सकता है। देखिए, सनातन परंपरा में सप्तदीप नौखंड अधीन भरतखंड, सब एक समान है, कोई जाति आपस में नहीं है और संविधान में तो इस तरह का कोई वसम है भी नहीं, एक आरक्षण को छोड़ करके। तो सब ने अपने अपने जो क्षेत्र में कार्य किए हैं, ये नीचे ऊपर उन्होंने वाच किए हैं, उसके हिसाब से सबको ताजपोशी की गई है। मेरा आपको जो प्रश्न था जी, जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ कार्यकर्ता है वो भी उम्मीद कर सकता है, क्योंकि इससे पहले का अगर ट्रेंड देखें तो बड़े बड़े नामों को ही ऐसे शीर्ष पदों पर बैठाया जाता था, लेकिन अब जिस तरह की परंपरा शुरू हुई है तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखो, दीनदयाल उपाध्याय जी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो एक नारा था, अंत्योदय, प्रथम से अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक को इसका लाभ मिले, उसका लाभ सरकार ने दे करके वो चरित्रार्थ कर दिया है, भी सब एक समान है। ये प्रयोग सफल रहा उनका और शायद अगले चुनाव जो होंगे, हरियाणा का चुनाव, आगामी चुनाव, तो ये प्रयोग यहाँ भी हो सकता है। ऐसा है, इस हालात के मुताबिक जो पुराने धुरंधर हैं, मेरे ख्याल में हरियाणा में शायद उनकी भी नींद उड़ गई होगी, ऐसा मुझे आभास हो रहा है कि जो कार्यकर्ता निष्ठावान है, कर्मशील है और समर्पित है, उसका नंबर 100% सत्ता में आना ही आना है। जिन्होंने आनंद ले लिया उन्हें मेरे ख्याल में आज शायद नींद कल से आनी बंद हो गई। चर्चा ये भी है, आप भी सांसद की चुनाव में कूदने के फिराक में। देखो, मेरी बात सुनो, मैं तो सामाजिक धार्मिक आदमी हूँ और रही बात पार्टी की, अगर पार्टी कोई ऐसा सोचती है तो बिल्कुल आप सबके सानिध्य में बिल्कुल दम ठोक के इलेक्शन लड़ेंगे और मोदी जी के हाथ में हाथ और ताकत में ताकत मिला के। उम्मीद जागी है अब? नहीं, हालात जब से अब वह हालात हैं जी कि भाई अगर जब सबका नंबर है तो ना जाने हमारा भी नंबर आ जाए, दंदू लग जाए।